सबसे ज्यादा मुझे जो आजकल लोग पूछ रहे ना चीजें, सबसे ज्यादा रेनल फेलर, किडनी फेल हो गए हैं, डायलिसिस होना शुरू हो गया है, क्या मुरिंगा खा लें, क्या किनवा खा लें, क्या चिया खा लें, क्या मल्टीग्रेन आटा इस पर इफेक्टिव होगा, हम क्या खाएं कि हमारी किडनीज बच जाए। मैं उन्हें पता क्या कहता हूँ, मैंने कहा किसके हो गए हैं, कहते मेरी वालदा के हुए पड़े हैं, मेरे वालद के हुए हैं, मेरे बड़े भाई के हुए हैं। मैंने आपके तो ना हुए, कहते नहीं, मैं आप चाहते हैं आपके भी हो जाए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसके सामने वो पेशेंट है, मैं नहीं चाहता। मैंने कहा वो क्या, वो वास्ते दुआ दू मांग लो, उन अस्पताल से ले जाओ, तुम चाहते हो तुम्हारा नाम, कहते नहीं। मैं उन्हें पता है उनकी किडनी क्यों फेल हो रहे हैं, कहते जी अल्लाह वाले बीमारी आ गई। मैं तुम्हें बताता हूँ, हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो गए, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई, दूध बनाया, मक्खन बनाया, घी बनाया, सब कुछ वो डाइजेस्ट हो गया। जो अल्लाह ताला ने रोटी छोटी ये वो चीज़ें सालन फ्रूट सब बनाए वो डाइजेस्ट हो गए। क्या हमारे जिस्म के अंदर केमिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं? आप केमिकल लेते हो, जब आप एक केमिकल लेते हो तो आपकी बॉडी में वो क्या होता है उस केमिकल के साथ, पहले सबसे बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करता है। मेरी बात सुनिए ज़रा ध्यान से, जो आप केमिकल लेते हो सबसे पहले आपकी बॉडी उसे डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करती है। जब नहीं डिटॉक्सिफाई होता फिर दो जगह पे वो फिल्टर होता है। हमारे जिस्म के अंदर कौन सी दो जगह जो फिल्टर करती हैं? एक लिवर, दूसरे किडनीज। अब उसके अंदर वो जमा हो जाती, ज्यादा जमा हो जाती, लिवर भी गया किडनी भी गई। हम केमिकल कौन से ले रहे हैं? चले मेरे साथ गिनना शुरू हो जाए, गिनना शुरू हो जाए मेरे साथ। अपने किचन में चले, आपके किचन में कितने केमिकल हैं? जितने मसाले पड़े हुए हैं बाजार के पिसे हुए, सब के अंदर प्रिजर्वेटिव है, सब के अंदर फ्लेवर है, सब के अंदर केमिकल है। जो बाजार से मिर्चे धनिया चीज़ें लेके खुद कूट लेनी है वो प्योर है, जो बाजार से प्रोसेस्ड दे के आ रहे हैं आप, सब के अंदर केमिकल है। नंबर वन, कौन कौन एवरीडे, एवरीडे वाला दूध की चाय पीता है, 100% केमिकल है, 100% केमिकल, केमिकल ही केमिकल। अच्छा आप बाजार से फूड खाते हो, पिज्जाज पास्टाज बर्गर जितने खाते हो, इन सब के अंदर दर्जनों के हिसाब से केमिकल है, दर्जनों के हिसाब से केमिकल है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर जो स्प्रे होते हैं उसके अंदर केमिकल है, और केमिकल का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? आपकी फूड में केमिकल का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक। एक पेप्सी के अंदर 47 के करीब केमिकल्स हैं, एक पेप्सी के अंदर 47 के करीब केमिकल्स हैं, और उसमें से एक केमिकल, अभी जरा गूगल लिखें जरा एस्पार्टेम, एस्पार्टेम, एक केमिकल लिख लें एस्पार्टेम, सिर्फ एक केमिकल क्या क्या बीमारियां पैदा करता है, एक केमिकल ए एस्पार्टेम क्या करता है? मोटापा, जोड़ गए, किडनी गए, लिवर गया, सिर्फ एक। उसके अंदर टैनिन की मकदार इतनी है कि उसने कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होने देना, सिर्फ एक एक पेप्सी की बात कर रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो हफ्ते में एक दफा पेप्सी पीते हैं? ओके, सबसे बड़ा सोर्स ये केमिकल का है। आप ये सारे केमिकल्स लेते हो, आपकी किडनीज में, लिवर में ये इकट्ठे हो जाने, केमिकल से बचेंगे तो जान बचेगी। आपने नेचुरल फूड एल्कलाइन ड्रिंक की तरफ लोगों को कन्विंस करना है, और ये सारी प्लांट बेस्ड है। किचन गार्डनिंग करें, सब्जियां उगाएं, नेचुरल फूड की तरफ लोगों को लेके आएं और हेल्दी रेसिपीज बताएं।